नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ आपदा के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा को लेकर सभी अटकलों पर लगाया विराम। सीएम ने किया साफ, तय समय पर होगी यात्रा। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों में दरारों के दहशत बरकरार। प्रशासन ने चिन्हित मकानों को तोड़ने का काम जारी। पलायन को मजबूर लोग छोड़ रहे अपना आशियाना। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर सीएम धामी ने बालिकाओं को दी बधाई। राज्य सरकार महिला और उनकी सुरक्षा से जुड़ी चला रही योजनाएं। महिला खिलाड़ियों का किया सम्मान। मौरबी पुल हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहे लोग। उत्तरकाशी में माघ मेले में दौरान मेला आरतियों की जबरदस्त भीड़। जोशी याडा झूला पुल पर क्षमता से ज्यादा लोगों की आवाजाही। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले 48 घंटे में बर्फबारी और भारी बारिश के आसार 30 जनवरी तक दिखाई देगा असर। और अब खबरें विस्तार से। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड खेल विभाग और राष्ट्रीय महिला आयोग के खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला खिलाड़ियों के सम्मान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित बालिकाओं को बालिका दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिला और उनकी सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को चला रही है और आगे भी कई नीतियों पर काम किया जाएगा, जिसके साथ ही प्रदेश की महिलाएं देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी राज्य की बालिकाओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य की बालिका खेल के क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, वहीं सुरक्षा भी होनी चाहिए। उसको लेकर विभिन्न विभिन्न योजनाएं हमने चलाई हैं। गौरा ऐप भी अभी हम लोगों ने पिछले दिनों लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जहां सुरक्षा होगी वहीं सशक्तिकरण भी। विशेष रूप से ध्यान देकर खेलों का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति आगे आए और हमें बहुत गर्व है कि हमारे प्रदेश की मातृशक्ति ने विभिन्न विभिन्न स्थानों पर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। खेल को लेकर बालिकाओं के क्या अवसर हो सकते हैं, उसको लेकर एक सेमिनार यहाँ पर किया है, जो कि निश्चित रूप से बालिकाओं में एक उत्साह उत्पन्न करता है और निश्चित रूप से इस प्रकार के सेमिनार के माध्यम से बहुत सारा संदेश जो है कि अब बालिकाएं खिलाड़ी भी बन सकती हैं, बालिकाएं खेल खेल कर अपना अपने क्षेत्र का और अपने इस प्रदेश का नाम रोशन कर सकती हैं, उसको लेकर जो है आज एक जागरूकता माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी, आयोग के माध्यम से भी और मंत्री होने के नाते अपनी ओर से भी आज के इस कार्यक्रम में किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में कई स्कूलों में बालिकाएं उपस्थित रही और सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत की। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर संवाद करना बनता ही है और उनसे संवाद कर ये जानने की राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं उनके लिए बनाई गई है उनके बारे में क्या सोचती है और क्या उनके सुझाव हैं जो
राज्य सरकार द्वारा उनके हित में किए जाने चाहिए और निश्चित रूप से इस संवाद को आगे चलकर किसी नीति में या किसी योजना में लेकर आ पाए। बालिका दिवस है और इस राष्ट्रीय बालिका दिवस पर निश्चित रूप से बेटियों से संवाद करना बनता ही है और उनसे संवाद करते हुए यह जानना कि आखिरकार राज्य सरकार ने जिस प्रकार की योजनाएं उनके लिए लॉन्च की है, चाहे उनको सशक्त करने के दृष्टिकोण से हो, चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे खेल के दृष्टिकोण से हो, तो आखिरकार वो क्या सोचती हैं और क्या उनके और सुझाव हैं जो कि राज्य सरकार को करना चाहिए। तो आज ये संवाद उनके और हमारे मध्य में है। निश्चित रूप से इस संवाद को आगे चल के किसी नीति में, किसी न किसी योजना के स्वरूप में हम लेके आ पाएँ, उनसे ये मुझे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कोटद्वार में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कोटद्वार पुलिस और एंटी नारकोटिक्स की टीम ने 4 लाख की स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि गाड़ी घाट झूला बस्ती निवासी मोहित उम्र 26 साल को 35 ग्राम स्मैक के साथ गाड़ी घाट तिराहे से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है जिसको सीज कर दिया गया है। नशा मुक्त उत्तराखंड पहल है, उसमें उत्तराखंड ये पौड़ी जनपद की पुलिस भी बहुत एक्टिवली काम कर रही है। पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे लोग जो संदिग्ध थे, जिन पे इस टाइप की शिकायतें थी कि वो लोग नशे का काम करते हैं, उस पर एक गहरी ऑब्जर्वेशन चल रहा था। तो उसी कड़ी में परसों एक व्यक्ति जो यहाँ जिसके बारे में है कि वो परिजन इस टाइप का काम करते हैं, उसको हमने 35 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। जो 35 ग्राम का मतलब जिसकी मार्केट कीमत करीब 3.5 लाख होगी, तो एक बड़ी क्वांटिटी है, जिससे हम समझते हैं कि अच्छा मैसेज पब्लिक में जाएगा। हाँ, वही मैंने बताया कि उसके बारे में या उस फैमिली के बारे में ये राय है आमजन में कि ये इस टाइप का काम लगातार कर रहे हैं और इस बार हम कोशिश करेंगे कि कड़े से कड़ा दंड उसको माननीय न्यायालय के द्वारा दिए मिले और उसकी बेल ना हो पाए। किसान यूनियन लठहत के कार्यकर्ताओं पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले के बाद अब भाजपा के रुड़की जिला अध्यक्ष शोभा राम प्रजापति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनका कोई जमीनी विवाद नहीं है और ना ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनसे किसी तरह की कोई बदतमीजी की है। उन्होंने बताया कि सब उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। शोभा राम प्रजापति ने यह भी कहा कि जब से वे जिला अध्यक्ष बने हैं तभी से कुछ लोग उन्हें और पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जबकि किसान यूनियन लठहत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई वजूद नहीं रखता है और यूनियन में लठहत शब्द की साफ तौर पर अराजकता फैलाने वाले शब्द है और ना ही किसी किसान से जुड़ा, क्योंकि किसान शांति प्रिय होता है और ना ही किसी तरह की अराजकता फैलाने वाला। इनके बताने से तो मैं ऐसा नहीं, तो कुल मिला के इन्हें नाइन, पहली बात तो जो ये लोग हैं इनका कोई प्लॉट हो वहाँ पे, जो इनकी साथ है इनका कोई प्लॉट हो, प्लॉट के मालिक को वहाँ खड़ा करो, जो भी एसडीएम हो, पटवारी हो, शहर का जेन्युइन व्यक्ति हो, अगर उसकी बता दे तो मेरी तरफ से तो 2 फुट फालतू मार कार्यकर्ता। पहली बात तो मेरी संज्ञान में नहीं, मैं था नहीं यहाँ पे, तो आपको सबको पता है कि मैं कहाँ कहाँ आज सुबह से लेकर शाम तक कहाँ रहा, मुझे फ़ोन भी आते रहे, मैं तो बाद में धरोहर से सीधा यहीं आ रहा हूँ। कोई भाजपा के कार्यकर्ता तो किसी को कोई मतलब नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता तो यहाँ कितने हैं, यहाँ हजारों कार्यकर्ता है, कोई मतलब ही नहीं है। वो भाजपा को नाम से ही लेके मुझे बदनाम करना चाह रहा, वो करे तो शोभा राम के नाम से बदनाम करे, भाजपा का नाम क्यों लेता है इनके बताने से। जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाला जोशीयार झूला पुल माघ मेले में मेला यात्रियों के जबरदस्त तरीके से झूलता हुआ नजर आया। क्षमता से अधिक मात्रा में लोग आवाजाही कर रहे हैं, किसी भी समय बड़े हादसे को ये न्योता दे सकता है। हालांकि पुलिस कर्मियों द्वारा दोनों तरफ रोका जा रहा है, लेकिन क्षमता से अधिकांश चलने पर पुल के दोनों किनारे झूल रहे हैं। इसके बदले में दोनों पुल के दोनों किनारों हमने चोट लगा रखी है और धीरे धीरे इसको जो है लोगों को धीरे धीरे भेज रहे हैं, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो पाए, क्योंकि पुल जो है काफ़ी मात्रा में हिल रहा है।
माघ मेले के दौरान मेला यात्रियों से जबरदस्त तरीके से भरा हुआ है। क्षमता से अधिक मात्रा में लोग आवाजाही कर रहे हैं। किसी भी समय बड़े हादसे से यहां पर इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिसकर्मी द्वारा दोनों तरफ से रोका जा रहा है, लेकिन क्षमता से अधिक अधिकांश लोगों के वजह से पुल गिर भी सकता है। उत्तरकाशी में माघ मेले के दौरान मेलार्थियों की जबरदस्त भीड़, जोशियाड़ झूला पुल पर क्षमता से ज्यादा लोगों की आवाजाही हो रही है। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, क्योंकि क्षमता से अधिक लोग इस पुल पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वाला जोशियाड़ झूला पुल माघ मेले के दौरान मेला यात्रियों से जबरदस्त तरीके से भरा हुआ है। इतनी तादाद में लोगों का होना कभी भी किसी घटना को न्योता दे सकता है। अधिकांश चलने पर पुल के दोनों किनारे झूल रहे हैं, लेकिन इस मामले को कभी कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। क्षमता से अधिक मात्रा में लोग आवाजाही कर रहे हैं। किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि पुलिसकर्मी द्वारा दोनों तरफ से रोका जा रहा है, लेकिन क्षमता से अधिकांश चलने पर पुल के दोनों किनारे झूल रहे हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। जनपद मुख्यालय को जोड़ने वाला जोशियाड़ झूला पुल माघ मेले के दौरान मेलार्थियों से जबरदस्त तरीके से भरा हुआ है। क्षमता से अधिक मात्रा में लोग आवाजाही कर रहे हैं, और क्षमता से अधिक होने के कारण कभी भी यहां हादसा हो सकता है, क्योंकि पुल के दोनों किनारे झूल रहे हैं। हालांकि पुलिसकर्मी द्वारा दोनों तरफ से रोका भी जा रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा तादाद में लोगों की वजह से पुल झूलता हुआ नजर आ रहा है, जो किसी भी हादसे को न्योता दे रहा है। उत्तरकाशी में माघ मेले के दौरान मेले में आने वाले लोगों की भीड़ से जबरदस्त पुल भरा हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता उत्तरकाशी से सुमित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, जैसे कि जोशी यार्ड पुल को देखा जा रहा है, तस्वीरों में हमने देखा कि वहां पर कितनी तादाद में लोग पहुंचे हैं, और इस दौरान पुल भी झूलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले मोरबी में भी एक हादसा हुआ है, उसको देखते हुए भी यहां पर सबक नहीं लिया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे उत्तरकाशी में ये जिला पुल जो जिला मुख्यालय को जोड़ता है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो माघ मेले की जो यहाँ पर जनसंख्या है वो काफी बढ़ रही है। और इस पुल की बात की जाए तो एक ये एक जिला पुल है, और यहाँ पर जितने भी स्थानीय लोग या ग्रामीण लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर मेले में भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस झूले पुल में एक खतरा जरूर बन रहा है। और यहाँ पर मैं पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर भी मुस्तैद है। जी सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
हल्द्वानी के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा में चर्चा के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज काला ढूंगी में स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से ब्लॉक स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में काला ढूंगी विधायक बंशीधर भगत और ने प्रतिभाग किया और पेंटिंग प्रतियोगिता जीतने वालों को विधायक भगत ने पुरस्कृत कर शुभकामनाएं दी। इस देश के क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा पर चर्चा तो होगी 27 तारीख को, आज पेंटिंग का कार्यक्रम है। बच्चों के द्वारा जो पेंटिंग की गई है उस पेंटिंग को पुरस्कृत किया गया है, बहुत से बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया है। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए उनको पुरस्कार मिला है और अन्य लोगों को 57 पुरस्कार मिला है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम GGIC कालाढूंगी में हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छे उत्साहजनक ढंग से इसमें भागीदारी की है। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। 27 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी बच्चों से उक्त कार्यक्रम के संदर्भ में संबोधित किया जाना है। उसके प्रचार प्रसार के लिए बच्चों में अवेयरनेस के लिए आज एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है जो GGIC कालाढूंगी में हुआ है। इसमें हमारे 7 स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और ताकि बच्चों के बीच में परीक्षा पर चर्चा। देहरादून पुलिस अब स्टंट दिखाते और तेज रफ्तार से बाइक चलाकर वीडियो बनाते रईस जादों पर नकेल कसने के मूड में नजर आ रही है। हाल में यातायात पुलिस द्वारा 950 सीसी इंजन की गाड़ी को सीज किया गया। बता दें कि तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए वीडियो बनाते हुए युवक की धरपकड़ पुलिस द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई वीडियो के आधार पर की गई। पुलिस द्वारा फर्जी अकाउंट बनाकर ऐसे कई लोगों के सोशल मीडिया चैनलों को सब्सक्राइब किया गया है जो इस तरह की वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। के बाद ये भी पता चला है कि ये लगभग 50 के आसपास बाइकर्स हैं जो देहरादून में अलग अलग जगह पे वो करते हैं। इनका अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके थ्रू ये धूम मचाने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि सोशल मीडिया सेल हमारी एक्टिवेट है, इन हर एक को अब चिन्हित किया जाएगा और इनके घर घर जाके इन पे कार्रवाई की जाएगी। मालदेवता साइड, स्टेडियम साइड या ऋषिकेश रोड पे या चक्राता रोड पे भी देखा जाता है कि ये वीकेंड्स को जाके स्टंटबाजी करते हैं। तो वैसे पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि इनको गाड़ी छोड़ के चल चल कर इनको उस तरीके का भी एक प्रयोग हमारे द्वारा किया जाए। पूर्व विधायक संगठन की प्रेस वार्ता। देहरादून पूर्व विधायक संगठन की प्रेस वार्ता लाखी राम जोशी संगठन अध्यक्ष ने दी जानकारी। संगठन की कार्यकारिणी में किया गया विस्तार। यमुनोत्री विधानसभा से विधायक केदार सिंह को मिली संगठन में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। ज्ञानचंद को भी दी गई उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश के दौरान उत्तरकाशी के विधायक रह चुके ज्ञानचंद, जबरेडा के पूर्व विधायक देशराज करणवाल को बनाया गया है महामंत्री। 3 दिन पहले पूर्व विधायकों के सम्मेलन के लिए किए गए सुझाव, सरकार को सौंपे गए 15 बिंदुओं को लेकर सरकार को भेजे गए सुझाव। संगठन के मुहाने पर लगातार है रिटायर होने के बाद दोबारा नियुक्त होने वाले अधिकारी। आउटसोर्स के माध्यम से हो रही भर्तियों पर लगे प्रतिबंध। विस्थापित नीतियों के तहत ही लोगों को बसाया जाए। आग की जद में आने वाले लकड़ी के मकानों को आपदा नीति में शामिल किया जाए। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उत्तराखंड में भू कानून सख्ती से लागू हो तो वहीं हिमाचल की तर्ज पर लागू हो राज्य में कानून। प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार ठोस रणनीति अख्तियार कर रही है और मूल निवास अनिवार्य रूप से लागू किया जाए तो वहीं पलायन पर ठोस रणनीति बनाने के लिए सरकार राज्य से चकबंदी को लेकर सरकार को दिया सुझाव। पर्यटन और उद्यान के लिए सरकार बनाए ठोस रणनीति। भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करे सरकार। उत्तराखंड में अब आयोग द्वारा होने वाली परीक्षाओं की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले के साथ उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग में पेपर लीक मामले को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब
पेपर से संबंधित मामले की मॉनिटरिंग सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। उनका कहना है कि हर 15 दिन में होने वाली परीक्षाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी और मुख्यमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग भी होगी। पूरे मामले की एसटीएफ और एसआईटी से जांच चल रही है, जिसमें 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमने तय किया है कि प्रत्येक 15 दिन पर दो कार्यक्रम लगातार चलेंगे। एक तो जितनी भी प्रदेश के अंदर नियुक्तियां होनी है उसको मुख्यमंत्री कार्यालय मेरे स्तर से और हमारे सभी अधिकारियों के स्तर से उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, और साथ ही साथ जो हमने 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री करने का जो लक्ष्य लिया है, संकल्प लिया है, उन दोनों ही अभियानों को लगातार गति देने का काम, लगातार उनकी समीक्षा का काम अनवरत रूप से चलेगा। रुड़की में प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी सुभाष पवार के नेतृत्व में प्रदूषण विभाग की टीम ने लंढोरा के आसपास स्थित 6 ईंट भट्टों को सील किया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने 4 स्थानों पर भारी मात्रा में जमा की गई रबर की पकड़ी है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ सुभाष पवार और नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य के नेतृत्व में टीम ने लंढोरा, नांगला, इमरती, भगवानपुर, चंदनपुर क्षेत्र में 6 ईंट भट्टों को सील किया है। कार्रवाई के दौरान सभी ईंट भट्टों पर रबर जलाने का मामला पकड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान भगवानपुर, चंदनपुर क्षेत्र 4 जगहों पर भारी मात्रा में जमा करके रखी गई रबर की चप्पल, खराब पेंट और सोडियम के ड्रम पकड़े गए हैं। टीम ने मौके से एक छोटा हाथी, रबर काटने की मशीन कब्जे में ली है। वो बेसिकली डायरेक्शन थे एनजीटी के कि जो नेचुरल ड्राफ्ट हैं उनको जिगजैग में कन्वर्ट होना था, तो वो लोग नहीं कर पाए। अब उन्हीं का सर्वे चल रहा है और अंततः जो भी मान्य एनजीटी के निर्देशों को उसके अनुकूल में कार्रवाई की जाएगी। उसी का सर्वे चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। जो मान्य एनजीटी आदेश देगा उसी के तहत कार्रवाई। लगभग कितने भट्टों का सर एनओसी है यहाँ पर? देखो मैं आपको बता दूँ, 195 भट्टे चिन्हित किए गए हैं और उसमें से 141 का जिगजैग कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं उन्हीं का हम लोग देख रहे हैं कि कितना उन्होंने काम किया है। उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन ड्रग्स फ्री देहरादून के तहत डीएवीपीजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। नशे के खिलाफ चलाई जा रही उत्तराखंड पुलिस की मुहिम के तहत युवाओं को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर एसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि सीएम धामी द्वारा उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री करने का जो संकल्प रखा गया है, उस संकल्प के अंतर्गत प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवा नशे की गिरफ्त में है और ऐसे में कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने एक वर्कशॉप आयोजित किया, एक बैठक आयोजित करी और डीवीपी कॉलेज में बहुत पोटेंशियल है। बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। उन्हीं को ही मोटिवेट करने आ रहा था और शपथ भी हम लोगों ने लिया कि कैसे हम ड्रग्स से बच सकते हैं, कैसे हमको क्या करना है, उसमें सब चीज़ लिखी हुई है। और मैंने आह्वान किया कि जो शपथ हमने लिया है, ये शपथ प्रत्येक घर में लिया जाना चाहिए। जोशीमठ मामले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जोशीमठ को मुद्दा बनाकर उठाया। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं बल्कि सबको एक साथ वहां पर काम करना चाहिए। समय राजनीति करने का समय नहीं है और जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके लिए जो समुचित प्रबंध हो सकता है, जितनी भी सरकार के द्वारा काम हो सकते हैं, उन सभी कामों को बढ़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज 8 संस्थान वहां पर काम कर रहे हैं, अपने सर्वेक्षण कर रहे हैं। भारत सरकार की सारी टीमें लगी हुई है, NDMA की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आगे पुनर्वास की योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि जोशीमठ को लेकर एक जो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, ऐसे भ्रम की स्थिति नहीं है। आज वहाँ पर 70% दुकानें आज भी खुली हुई हैं, वहाँ का काम।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी अवैध बिक्री का चेकिंग अभियान जिले भर में जारी है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में सल्ट पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में काशीपुर निवासी दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि डोटियाल चौराहा पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों के पास से 22 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। बरामद किए गए गांजे की कीमत 3,37,500 रुपए आकी जा रही है। दोनों अभियुक्त उधम सिंह नगर के रहने वाले थे। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस के मामले में दर्ज किया है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।